सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को की खबरों के लिए बने रहें। मालपुरा पालिका अध्यक्ष सपना टेमानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। टोंक जिला कलेक्टर से मालपुरा के 25 में से 23 पार्षद मिले हैं और कहा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है लगभग अब ये पास होना निश्चित हो गया है। जिस तरह से संख्या बल नज़र आया है आज टोंक के अंदर कि 25 पालिका पार्षदों के अंदर से 23 पार्षद जो है सपना टेमानी के खिलाफ है। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर एक शिकायत पेश की है और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, इस पर फैसला होना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरह से सपना टेमानी के खिलाफ लोगों में असंतोष नजर आ रहा था मालपुरा के अंदर और राजनीतिक रूप से अगर बीजेपी या कांग्रेस दोनों की बात की जाए तो दोनों ही दलों के पार्षद उनसे नाराज चलते नजर आ रहे हैं। उसके अंदर उसी के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव आज पेश किया गया है और अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन ये तय है कि सपना टेमानी का जाना अब तय हो चुका है। मालपुरा के अंदर नगर पालिका चेयरमैन को बने 3 साल हो गया, उन्होंने 3 साल के अंदर 2 रुपये का काम नहीं कराया। मालपुरा में विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है, नालियाँ वगैरह सड़कें वगैरह सब खराब पड़ी है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अव्यवस्था हो रही है। मालपुरा की जनता बहुत परेशान है। मालपुरा की जनता हम लोगों को भी गालियाँ निकालने लग गई। इस ऐसी परिस्थितियों में मध्य नज़र रखते हुए आज हम सब पार्षद 25 में से 23 पार्षद नगर पालिका सपना टेमानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने आए और हम उनको जल्दी से जल्दी हम ये अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कराएंगे और मालपुरा के विकास में जो रोड़ा अटका हुआ है उसको हम मालपुरा के विकास हर हालत में करवा के रहेंगे। क्या कहा कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए अब तारीख तय करेंगे, हमने अविश्वास प्रस्ताव की उनको नोटिस दिया है और वो जल्दी से जल्दी तारीख तय करेंगे। देखो एक मिनट, अपना नाम बता दें। मेरा नाम आशा नामा है, मैं मालपुरा से आई हूँ, अभी पार्षद हूँ मालपुरा से। पहले पूर्व नगर पालिका चेयरमैन भी रह चुकी हूँ और हम सब लोग कांग्रेस के बीजेपी के सभी 23 पार्षद यहाँ पे आए हैं। हम लोग सब जो वर्तमान चेयरमैन है सपना टेमानी, उसकी कारनामों से हम सब लोग परेशान हैं। वरना तो हमारी सुनती है जनता, हमारे को परेशान करती है, परेशान करेगी। हमको वोट दिया उन्होंने, लेकिन क्या वहाँ पे विकास का कार्य नहीं हो रहा है? ना आज तक 3 वर्ष के अंदर सड़कें बनी, ना कुछ नालियाँ बनी, किसी भी तरह का काम नहीं, सफाई का कार्य नहीं हो रहा, नाले भी नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। हम लोग सब परेशान हैं। वहाँ पर ठेकेदार लोग जो जिन्होंने पिछले कार्यकाल में काम किया उनका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, आज वहाँ वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो क्या बैठे हो आप? प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल।